नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक डिड्रोड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी भी कीपैड वाले फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ा सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, मैंने एंड्रॉयड के बारे में बहुत सारे एंड्रॉयड का मैंने सॉफ्टवेयर चढ़ाने का वीडियो मैंने बताया। उसमें से कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा कि यार भाई सब मतलब वही फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं, सब एंड्रॉयड ही नहीं यूज़ करते हैं, 1% हैं लोग जो कि कीपैड वाले फ़ोन भी यूज़ करते हैं। तो यार उसने बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो तो बनता है और इसके बारे में बहुत लोग जान पाएंगे, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कैसे जो है कीपैड वाले फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। और अगर जो आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हमें भी इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर दें और अपना जो सवाल है वहाँ पर आप पूछ सकते हो। और अगर जो आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लो यार और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और मैं आपको बता दूँ, ये जो कीपैड वाला फ़ोन है इसका कुछ स्टेप्स जो है मेन मेन स्टेप्स है, वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप शायद भूल जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे वीडियो को। तो देखते रहो यार अंत तक, सब कुछ पता चलेगा। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, घंटी बटन को भी दबा दें और भी फ्यूचर वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि और भी लोगों को पता चले और वो भी अपने फोन में सॉफ्टवेयर को चढ़ा पाएंगे। नीचे आपको कमेंट भी कर देनी है सॉफ्टवेयर चढ़ाएं किसी भी कीपैड वाले फ़ोन में। कमेंट करने के बाद आप देखिए स्टेप की ओर चलते हैं, कैसे हम फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, मतलब कीपैड वाले फ़ोन में सॉफ्टवेयर को चढ़ाएंगे। देखिए पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर चढ़ाने से आपको कितने फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए अगर जो आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है, मतलब डेड है, तो उसे भी आप ठीक कर सकते हो, या तो आपके फ़ोन में लॉक पासवर्ड लग चुका है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेरे केस में प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन में लॉक लग चुका है, उसका पासवर्ड जो है बूट में लॉक लग चुका है, मैं भूल चुका हूँ और इसका मुझे लॉक जो है क्रैक करना है। तो अब अगर आपका फ़ोन अगर डेड होता तो उसका भी सोल्यूशन था। तो देखिए यहाँ पर चाहे प्रॉब्लम किसी टाइप का हो, सॉफ्टवेयर को चढ़ाने के लिए आपको 3 फाइल की ज़रूरतें पड़ेगी, एक USB ड्राइवर, एक फ्लैश टूल और एक जो है फ्लैश फाइल। तीनों का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे आप डिस्क्रिप्शन को सही से जरूर पढ़िएगा। सबसे पहला मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मेरा ड्राइवर है उसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं इंस्टॉलिंग यूनिवर्सल USB ड्राइवर। तो जो हमारा जो ड्राइवर होता है USB ड्राइवर होता है उसे मैं फ्लैश करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। तो हमने अपने PC या लैपटॉप में जो भी कही हमने इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल कर देने के बाद अब जो आपका फ्लैश फाइल है जिसे कि कहते हैं सॉफ्टवेयर, उसे वो हमारा फाइल जो है जिप में था उसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया था। उसके बाद उसे ओपन करने के बाद ये रहा हमारा फ्लैश टूल रिसर्च डाउनलोड, यहाँ पर रिसर्च एंड डाउनलोड, उस पर मैंने क्लिक किया और उसे मैंने ओपन कर दिया फ्लैश फाइल को। अब ये आ जाने के बाद हमें सॉफ्टवेयर को लोड करना होता है। हमने पैकेज जो पोर्ट वाला फाइल है उस पर मैंने क्लिक किया और ये देख सकते हैं मैंने सॉफ्टवेयर को यहीं पे मैंने रखा था, मैं डेस्कटॉप में मैंने रखा था फोल्डर बना के, उसके अंदर ये B110 का फ्लैश मैंने लिया, मैंने फोल्डर बनाया था। तो मतलब अपना वो जो सॉफ्टवेयर आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसे आपको ढूंढना है। ये मेरा सॉफ्टवेयर है जिसे कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, उस पर सिलेक्ट करें, और ये पैक फाइल था उसे मैंने लोड कर दिया। उसे लोड कर देने के बाद ये लोड हो चुका है, ये देख सकते हैं सैमसंग V2 इस तरह से लिखा गया, इसका मतलब सॉफ्टवेयर लोड हो चुका है। उसके बाद ये रिजम जो पॉज जो प्ले का बटन था उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक मेन प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर तो हमारा लोड हो चुका है, अब हमारा जो केबल है जो डाटा केबल है उसे हमें लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। उसमें लगाने के बाद फ़ोन का बैटरी आपको निकाल के फिर से फ़ोन के बैटरी को लगाना है, और फिर ये डाटा केबल लगाएं। डाटा केबल लगाने के बाद वॉल्यूम बटन, ये जो होम बटन रहता है उसे दबाए रखें, उसे दबाए रखेंगे बस सॉफ्टवेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप सॉफ्टवेयर को चढ़ा सकते हो।
जब डाटा केवल फोन में लगाओगे आप, उस टाइम जैसे ही लगेगा होम बटन को दबाए रखना है, मोबाइल का होम बटन, उसके बाद ये जो है सॉफ्टवेयर चढ़ना स्टार्ट हो चुका है। सेम प्रोसेस होता है किसी भी फ़ोन के लिए, आप जो है सॉफ्टवेयर को चढ़ा सकते हो इस तरीके से। इस प्रोसेस को फॉलो करके बस डाउनलोड करने के लिए आपको अपना जो मॉडल है उसके लिए फ्लैश फाइल को सर्च करना पड़ेगा गूगल में, आपका जो भी मॉडल है। ये देख सकते हैं सॉफ्टवेयर जो है पास हो चुका है, सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है। तो जैसे ही सक्सेसफुल फ्लैश होता है, कुछ देर वेट करें 10 से 15 सेकेंड, उसके बाद आपको डाटा केबल रिमूव करना है अपने फ़ोन से। मैंने 30 सेकेंड वेट कर लिया और ये डाटा केबल जो है मैं निकाल लेता हूँ फ़ोन से, और ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, फ्लैश हो चुका है बिल्कुल नए की तरह, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉक भी ख़त्म हो चुका है, जो भी अलग अलग टाइप का इशू था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से जो है कि हम अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर को चढ़ा सकते हैं इजीली तरीके से। ये स्टेप्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट में बताइए, और इस तरीके से आप जो है किसी भी फ़ोन में सॉफ्टवेयर को चढ़ा सकते हो स्टेप्स को फॉलो करके। मैं इससे भी ज़्यादा खतरनाक वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो बिल्कुल फ्री में बनाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक भी करना आपको ज़रूरी है। और अगर भेज देंगे तो सोचिए कितने लोगों का पैसा बच जाएगा, वो भी सीख पाएंगे, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें व्हाट्सएप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।